दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर के आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर सॉल्यूशन या आंसर की जिसे कहा जाता है उसका कंप्लीट वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में आपके 60 प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा बारी बारी से। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज बी है, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं देर किए बिना आगे बढ़ूँगा। और चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुआ की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो इसका होगा ऑप्शन डी यानी इसेनिया फ्यूटिडा और यूट्रिलस यूजिनी दोनों होता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, सनई का वनस्पति का नाम होता है, तो दोस्तों सनई का बोटनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जंसिया, ठीक है, ऑप्शन ए वाला। और नेक्स्ट है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा का कुल क्या है, तो दोस्तों इसका कुल होता है आपका लेग्यूमिनेसी, ठीक है। और नेक्स्ट है अच्छी तरह से अवघटित वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, तो ये कितने दिनों में तैयार होती है, तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंजी का वनस्पति का नाम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी पैगेमिया ग्लेब्रा, ठीक है। पाँच और छः नंबर में पूछा गया था वर्मी कंपोस्ट किसे तैयार किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म से केंचुआ से तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है जैविक पोषक तत्वों के संसाधनों में सुदृढ़ किया जाता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स आर फोर्टिफाइड बाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी, ठीक है, सात नंबर का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट एवं गोबर की खाद क्या है, दोस्तों ये क्या है, भारी कार्बनिक खाद है यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैनर्स है। नेक्स्ट है नौ नंबर, गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है, तो ये 0.5% होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में हरी खाद फसल कौन सी है, दस नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वीट क्लोवर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्वीट क्लोवर द्वारा कितने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, ये लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है पर हेक्टेयर, ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा निचली भूमि धान की खेती में प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बीजीए का हम लोग यूज़ करते हैं और एजोस्पाइरिलम दोनों का यूज़ करते हैं किसमें, धान में, तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक खेती में जैव उर्वरक होते हैं, तो दोस्तों जैव उर्वरक क्या होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं, यहाँ पे बात करें तो पर्यावरण अनुकूल वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और साथ ही साथ उत्पादन को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कोलिगो डिवाइन और बाइपोलरिस है, तो दोस्तों ये क्या है, ये आपके बायो हर्बिसाइड है यानी जैव शाकनाशी है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नॉन सेलेक्टिव जैव शाकनाशी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी बायोलोफोस, ठीक है। और 16 नंबर में पूछा गया था जैविक खेती क्या है, तो दोस्तों जैविक खेती एक समग्र दृष्टिकोण है, ठीक है, यानी होलिस्टिक अप्रोच है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल का जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों बीजीए का यूज हम लोग नाइट्रोजन के लिए करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, समन्वित खरपतवार प्रबंधन का सिद्धांत जैविक कृषि में क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था IWM यानी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, तो ये क्यों जरूरी है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी अनेक रणनीतियों का प्रयोग करते हुए खरपतवार नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, जैविक खेती में ट्रैप क्रॉप क्या होती है, तो दोस्तों ये ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, ठीक है, तो कीटों को मुख्य रूप से दूर रखने वाली फसल नहीं होगा, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होगा, ऐसी फसल जो कीटों को फंसाती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रैप क्रॉप होता है उसको खेत के चारों तरफ लगाने पर कीट दूर रह जाते हैं आपके मुख्य फसल से, तो ये मुख्य कीटों का मुख्य फसल से दूर रखने वाली फसल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारी कार्बनिक खाद है, तो दोस्तों भारी कार्बनिक खाद का बात करें तो इसमें जो होता है आपका विष्ठा यानी नाइट सोइल, ये क्या होता है आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैनर का एग्जाम्पल है। 21 नंबर में पूछा गया था 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने हेतु कितने राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होता है, तो ये 20 ग्राम होता है, ठीक है, 2 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से किया जाता है, ऑप्शन ए का राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्राईफ्लाई का प्रयोग करते हैं, तो ये बरसीम में कल्चर के लिए करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस घुलनशील पदार्थ है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी बैसिलस एस्परजिलस और स्यूडोमोनास है, सभी के सभी क्या है, फास्फोरस को घोलने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोम्स क्या है, दोस्तों तो इसका 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों है, जैसे फास्फोरस अवशोषक और फास्फोरस घुलनशील दोनों हैं।
नेक्स्ट है 25 नंबर, इनमें कौन सा खाद्यान्न फसलों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो खाद्यान्न फसलों में आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम और एजोला तीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर का गेहूँ में और इसका धान में और इसका ज्वार मक्का में करते हैं। नेक्स्ट है भारत में अराइज अस्थायी पर्यावरण के लिए कृषि नवीनीकरण की स्थापना की गई थी, तो इसका 26 नंबर का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1995 में। नेक्स्ट है IFOAM में एफ से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों ये एफ का मतलब होता है फेडरेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 2004 में, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है, यहाँ पे पूछा गया था नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, तो ये कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में है, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है NPOF का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है, ठीक है, इसको मैंने कल बताया था, इसका 30 नंबर का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जैविक खेती में इनमें से सामान्यता किसके प्रयोग से बचा जाता है, तो ये GMO से बचा जाता है, ठीक है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशी और फसल चक्र को अपनाया जाता है, बट इसका सी राइट आंसर होगा GMOs, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई, तो कर्नाटक में आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, तो ये IFOAM जो है ना यही निर्धारित करता है, 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। और 34 नंबर में पूछा गया था जैविक खेती में किस प्रकार के फसलों को वरीय किया जाता है, तो यहाँ पे बात करें तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी स्वदेशी फसलों का, ठीक है। नेक्स्ट है IFOAM का गठन कब हुआ था, तो ये 1970 में हुआ था, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पूछा गया था जैविक खेती प्रोत्साहित करती है, तो दोस्तों ये किसको प्रोत्साहित करती है, ये जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और 37 नंबर में पूछा गया था USDA में डी से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों USDA में डी का तात्पर्य है डिपार्टमेंट यानी विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि खेती, होमा खेती और प्राकृतिक खेती किसका रूप है, तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है आपके कार्बनिक खेती के यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्न में से इनमें से कौन सा जैविक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है, तो दोस्तों जैविक खेती में यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी सभी का उपयोग करते हैं जो ऑप्शंस में है, वर्मी कंपोस्ट, एजोला और कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जैविक खेती पर NGO का पहला सम्मेलन APIGR द्वारा आयोजित की गई थी, तो यह वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है NPV का प्रयोग किसके नियंत्रण हेतु किया जाता है, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन को मैंने कल बताया था, NPV का हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा के नियंत्रण के लिए करते हैं, और हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा फली छेदक होता है जो कि ग्राम पोड बोरर होता है, जिसको अमेरिकन बॉलवर्म भी कहते हैं, कपास में भी ये लगता है। नेक्स्ट है फिरोमोन ट्रैप किसके विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी डिप्टेरा ऑर्डर के कीटों के लिए। नेक्स्ट है केंचुआ जैविक खेती में क्या भूमिका निभाता है, तो ये सोयल एरेशन में भूमिका निभाता है, मृदा वातन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट है जैविक खेती में हरी खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दोस्तों हरी खाद का प्रयोग इसलिए करते हैं कि मृदा की उर्वरता है जो है वो बढ़ जाए, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। 45 नंबर में पूछा गया था कौन सा प्राकृतिक खेती है, तो दोस्तों कौन सा प्राकृतिक कीटनाशी है, तो आपका नीम के जो पत्ता है ना, नीम लीव्स, ये सभी के सभी क्या है, ये आपके जो है नेचुरल पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जाता है नीम के पत्ती को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है, तो कार्बनिक उर्वरक दोस्तों कौन सा है, यूरिया है, ठीक है, ये आपका एक कार्बनिक उर्वरक के अंतर्गत आता है। 47 नंबर पूछा गया था जैविक खेती के संदर्भ में भारत का प्रथम कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो ये आपका सिक्किम कार्बनिक राज्य है, ये भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है एजोला क्या है, दोस्तों एजोला एक फर्न है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये भी मैंने बताया था। 49 नंबर में पूछा गया था दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो ये सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। BGA का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान में करते हैं, ये भी प्रश्न को मैंने कल बताया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कच्ची हड्डी खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, ये 8 से 9% होता है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 52 नंबर में पूछा गया था इनमें कौन सी खाद्य तेल की खली नहीं है, तो दोस्तों नीम की खली खाद्य तेल की खली नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीम को खाया नहीं जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नीम के। और 53 नंबर में पूछा गया था सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है, तो मूंगफली की खली में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर में पूछा गया था दोस्तों किस समस्या से बचाव हेतु अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करनी चाहिए, तो दोस्तों टर्माइट प्रॉब्लम से बचने के लिए यानी दीमक की समस्या से बचने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से
सड़ी गली गोबर के खाद का यूज़ करते हैं। 55 नंबर में पूछा गया था कंपोस्ट खाद बनाने का नेडेड विधि का आविष्कार किसने किया था, ये भी मैंने बताया था, एनडी पांडारी पांडे ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और दोस्तों 55 नंबर के बाद आते हैं 56 नंबर पे, तो मैं आपको बता दूं जो 56 नंबर क्वेश्चन है मैं आपको बोल दूंगा और उसका ऑप्शन भी बोल दूंगा। इसमें 56 नंबर में पूछा गया था सीरीज बी में इनमें कौन से जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है, कौन से जैव उर्वरक नहीं है, तो इसका इस वाले 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और बात करें दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन का, तो दोस्तों 57 नंबर में पूछा गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है, तो ये जो सीरीज बी का 57 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फास्फोरस, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा जीवाणु अवायवीय तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो दोस्तों अवायवीय तरीके से आपका एजोटोबैक्टर करता है, ठीक है, जो 58 नंबर क्वेश्चन था इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और नेक्स्ट जो 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इनमें पूछा गया था VAM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों VAM का पूर्ण रूप दोस्तों होता है, ये भी मैंने कल आपको बताया था, इसका मतलब होता है वस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, किसका 59 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 60वां और आखिरी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था 60वां में पूछा गया था सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर का उदाहरण कौन सा होता है, तो जितने भी केक्स होते हैं ऑयल केक खलियाँ ये सभी के सभी क्या हैं, सांद्रित कार्बनिक खाद होते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपना मिलाया होगा, और आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। फिलहाल दोस्तों मैं वीडियो को यहीं बंद करूँगा, ख़त्म करूँगा, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।